हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एनसीईआरटी से संबंधित। एनसीईआरटी की जो पुस्तक है, 12वीं की बुक जो है, जिसका नाम है मानव भूगोल, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके जो एमसीक्यू, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र। ये जो एमसीक्यू है वो 12th क्लास के लिए, स्कूल लेक्चरर के लिए, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, कॉलेज लेक्चरर, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारा चैप्टर है वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। इसलिए जो इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन बनाए, पूरे चैप्टर से जो मोस्ट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे हमने हैं वो यहाँ पर लिए हैं। लगभग 50 के करीब क्वेश्चन हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वो स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, भूगोल का नियम निर्माण या सिद्धांतीकरण क्या कहलाता है? भूगोल का नियम निर्माण या सिद्धांतीकरण क्या कहलाता है? हमारा पहला प्रश्न है, भूगोल का नियम निर्माण या सिद्धांतीकरण क्या कहलाता है? नोमोथेटिक, इडियोग्राफिक, भावचित्रण, वैसे दोनों। तो भूगोल का जो सिद्धांतीकरण है, उसे नोमोथेटिक कहते हैं। नियम निर्माण या सिद्धांतीकरण को नोमोथेटिक कहते हैं। साथ साथ में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ और भी बताता जा रहा हूं, वो भी ध्यान रखिएगा। इडियोग्राफिक और भावचित्रात्मक है, वो भूगोल को जो विवरणात्मक होना है भूगोल का, वो इडियोग्राफिक या भावचित्रात्मक कहलाता है। तो नियमबद्ध होना नोमोथेटिक, इडियोग्राफिक या भावचित्रात्मक होना है वो कहलाता है विवरणात्मक। ओके, नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य या देश का वर्णन किस रूप में करते हैं? राज्य या देश का वर्णन है वो किस रूप में करते हैं? जर्मन भूगोलवेत्ता के संदर्भ में है तो ये आर्थिक रूप में, राजनैतिक रूप में, भौगोलिक रूप में, या फिर हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है सजीव के रूप में। तो इसका सीधा सा उत्तर ये होगा कि भाई ये राज्य और देश का वर्णन जो है, वो सजीव यानी एक जीव के रूप में करते हैं, एक जीव के रूप में, जीवित जीव के रूप में करते हैं। इसलिए सजीव के रूप में इसका उत्तर हो जाएगा, या जीवित जीव के रूप में इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। काफी फेमस परिभाषा है। रेडजेल, ब्लास, सैंपल, टेलर, किसने दी थी ये परिभाषा? तो ये परिभाषा दी थी भूगोल के जनक, मानव भूगोल के जनक रेडजेल ने, मानव भूगोल के जनक रेडजेल ने। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, एंथोपो ज्योग्राफी, जर्मन भाषा के अंदर। उसी कारण इन्हें मानव भूगोल का जनक है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी व क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा? रेडजेल, ब्लास, सैंपल, टेलर। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये गत्यात्मकता दिखाई है इस परिभाषा के अंतर्गत, और ये गत्यात्मकता दिखाने वाले जो हैं वो हैं कुमारी एलेनसिस सैंपल, जो कि रेडजेल की शिष्या थी, निश्चयवाद की विचारधारा से प्रभावित थी। निश्चयवाद की विचारधारा के जनक रेडजेल ही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले भौतिक जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को मानव भूगोल किसने कहा है? रेडजेल, ब्लास, सैंपल और टेलर। तो इसके संदर्भ में जो इस परिभाषा को जो बताया है वो बताने वाले हैं विडाल डीला ब्लास। ब्लास थे वो फ्रांस के रहने वाले थे और संभववाद की विचारधारा के जनक थे। मानव भूगोल की परिभाषा किसने प्रस्तुत की जिसमें गत्यात्मकता मुख्य शब्द है, जिसमें गत्यात्मकता पर बल दिया? हमने चर्चा भी की थी इसकी कि कुमारी एलन सी सैंपल ने गत्यात्मकता पर जोर दिया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मानव भूगोल की परिभाषा किसने प्रस्तुत की जिसमें संश्लेषण पर जोर दिया है? तो संश्लेषण पर जोर देने वाले हैं। इसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जो सबसे पहली परिभाषा थी रेडजेल की,
उन्होंने संश्लेषण शब्द पर अधिक जोर दिया था, क्योंकि उन्होंने जो परिभाषा दी थी वो दी थी मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो संश्लेषित अध्ययन इन्होंने ही बताया। मानव भूगोल की परिभाषा किसने प्रस्तुत की जिसमें पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना है, एक नवीन विचारधारा है, नई संकल्पना है? तो रेटजल ब्लास सैंपल टेलर। तो ऐसी परिभाषा है जिसमें नवीन संकल्पना के बारे में चर्चा की गई है वो है विडाल्डिला ब्लास। ब्लास ने इसके संदर्भ में चर्चा की थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारी पृथ्वी पर रहने वाले जीवों, भौतिक जीवों और पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले नियमों के मध्य अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है, वो मानव भूगोल को कहा था। नेक्स्ट है, पर्यावरण ने निश्चयवाद की विचारधारा के जनक है। पर्यावरण ने निश्चयवाद, पर्यावरण ने नियतिवाद, नियतिवाद, निश्चयवाद आदि सभी एक ही विचारधारा के नाम है। रेटजल ब्लास सैंपल टेलर। तो इस अवधारणा के जो जनक हैं वो रेटजल हैं, और इसका समर्थन करने वाली जो मुख्य है वो है कुमारी एलनसी सैंपल। तो इसके जनक रेटजल। पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ? जनक थे रेटजल। तो रेटजल कहां के थे? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। रेटजल जर्मनी के थे, इसलिए इस विचारधारा का जन्म जर्मनी में ही हुआ। संभववाद की विचारधारा के जनक हैं। संभववाद की विचारधारा के जनक कौन है? रेटजल ब्लास सैंपल टेलर। तो संभववाद की विचारधारा के जनक जो है वो है ब्लास, विडाल्डिला ब्लास, ये फ्रांस के रहने वाले थे। संभववाद की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। हमने पहले ही चर्चा की थी फ्रांस में उनका जन्म, फ्रांस में इस विचारधारा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, नव निश्चयवाद की विचारधारा के जनक हैं रेटजल ब्लास सैंपल टेलर। तो रेटजल और सैंपल है वो तो नियतिवाद या निश्चयवाद की विचारधारा के जनक है। रेटजल और सैंपल निश्चयवाद, ठीक है। ब्लास है वो संभववाद, और टेलर जो है ग्रिफिथ टेलर, ये नव निश्चयवाद के जनक है। ये हमें ध्यान रखने हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं सीधे सीधे। ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद को क्या नाम दिया? वैज्ञानिक निश्चयवाद, नवनीतिवाद, रुको जाओ नियतिवाद, पर्यावरण या निश्चयवाद। तो वैज्ञानिक निश्चयवाद, नवनीतिवाद और रुको जाओ नियतिवाद, ये तीनों नव निश्चयवाद के ही उपनाम है। तो ग्रिफिथ टेलर ने इसको रुको जाओ नियतिवाद कहा, और इसके संदर्भ में कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए। किस विचारधारा के लिए ट्रैफिक सिग्नल का उदाहरण दिया जाता है? ये मिसप्रिंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, सिर्फ ऊपर वाला प्रश्न है। किस विचारधारा के लिए ट्रैफिक सिग्नल का उदाहरण दिया जाता है? निश्चयवाद, नवनियतिवाद, संभववाद, मानवतावाद। तो ट्रैफिक सिग्नल का जो उदाहरण है वो दिया जाता है नवनियतिवाद के लिए। कौन सी विचारधारा मानव के प्रकृतिकरण से संबंधित है? कौन सी विचारधारा मानव के प्रकृतिकरण से संबंधित है? निश्चयवाद, नवनियतिवाद, संभववाद और मानवतावाद। तो मानव के प्रकृतिकरण से निश्चयवाद विचारधारा है, और प्रकृति के मानवीकरण से संभववाद विचारधारा है। कौन सी विचारधारा प्रकृति के मानवीकरण से संबंधित है? अभी हमने चर्चा की थी संभववाद है उसमें प्रकृति का मानवीकरण होता है, और निश्चयवाद है उसमें मानव का प्रकृतिकरण होता है। निश्चयवाद व संभववाद के मध्यम का मार्ग है, यानी इन दोनों के मध्य का मार्ग कौन सा है जिसमें संभववाद और निश्चयवाद दोनों की कमियां हैं उनको दूर करके है वो सिद्धांत दिया है। तो इनके मध्य का मार्ग जो है वो अमूलवाद, नवनियतिवाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद। नवनियतिवाद, नवनिश्चयवाद, रुको जाओ नियतिवाद, वैज्ञानिक नियतिवाद, ये सभी एक ही हैं जो निश्चयवाद संभववाद के मध्य का मार्ग है। तो नवनियतिवाद इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस समय यूरोप में मानव भूगोल से संबंधित अन्वेषण हुए और धीरे धीरे देशों और लोगों के विषय में मिथक रहस्य खुलना प्रारंभ हुए? 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी। तो इसका उत्तर होगा 15वीं शताब्दी में अन्वेषण स्टार्ट हो गए थे, नौकायन का जैसे ही प्रयोग शुरू हुआ। मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा सामाजिक कल्याण से संबंधित है? सामाजिक कल्याण से संबंधित है अमूलवाद, नवनियतिवाद, व्यवहारवाद और मानवतावाद। तो सामाजिक कल्याण से संबंधित है वो मानवतावाद है, जिसका दूसरा नाम ही कल्याण विचारधारा है, कल्याणपरक विचारधारा है। नेक्स्ट, किस विचारधारा को रेडिकल विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है? रेडिकल विचारधारा अमूलवाद,
नवनियतिवाद, व्यवहारवाद और मानवतावाद। इसमें जो अमूलवाद है, रेडिकल विचारधारा है, उसके नाम से भी जाना जाता है अमूलवाद को। नेक्स्ट है, किस विचारधारा की व्याख्या हेतु कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? कार्ल मार्क्स के सिद्धांत अमूलवाद, नवनियतिवाद, व्यवहारवाद और मानवतावाद। अमूलवाद या रेडिकल की जो विचारधारा है उसमें कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। सामाजिक संवर्गों के दिक्काल बोध पर किस विचारधारा ने ज्यादा जोर दिया? सामाजिक संवर्गों के दिक्काल बोध पर अमूलवाद, नवनियतिवाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद। व्यवहारवाद है वो इसका सही उत्तर होगा। व्यवहारवाद ने अत्यधिक जोर है वो इस पर दिया था। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष अनुभव से संबंधित विचारधारा कौन सी है? अमूलवाद, नवनियतिवाद, व्यवहारवाद या मानवतावाद? प्रत्यक्ष अनुभव से, तो प्रत्यक्ष अनुभव से संबंधित जो विचारधारा है वो व्यवहारवादी है। निम्नलिखित में से किस विचारधारा का जन्म 1970 के दशक में नहीं हुआ था? अमूलवाद, नवनियतिवाद, व्यवहारवाद और मानवतावाद। 1970 के दशक में है वो नवनियतिवाद का नहीं हुआ था। अमूलवाद, व्यवहारवाद और मानवतावाद तीनों ही 1970 के दशक में उत्पन्न हुई थी। कौन सी विचारधारा मात्रात्मक क्रांति की असंतुष्टि का परिणाम नहीं थी? अमूलवाद, नवनियतिवाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद। तो मात्रात्मक क्रांति की असंतुष्टि है वो नवनियतिवाद परिणाम नहीं थी, क्योंकि नवनियतिवाद की विचारधारा है वो मात्रात्मक क्रांति से काफी पहले ही आ चुकी थी। मानव भूगोल के किस विकास काल में अन्वेषण और विवरण मुख्य उपागम था? अन्वेषण और विवरण मुख्य उपागम था। आरंभिक औपनिवेशिक काल, उत्तर औपनिवेशिक काल, 1930 का दशक, 1950 के अंत से 1960 का दशक। आरंभिक औपनिवेशिक काल का मुख्य उपागम ही अन्वेषण और विवरण उपागम था। मानव भूगोल के किस विकास काल में प्रादेशिक विश्लेषण मुख्य उपागम था? मानव भूगोल के किस विकास काल में प्रादेशिक विश्लेषण मुख्य उपागम था? आरंभिक औपनिवेशिक काल, उत्तर औपनिवेशिक काल, 1930 का दशक, 1950 के अंत से 1960 का दशक। तो उत्तर औपनिवेशिक काल का जो मुख्य उपागम था वो प्रादेशिक विश्लेषण ही था। प्रादेशिक विश्लेषण है इसका मुख्य उपागम है वो था उत्तर औपनिवेशिक काल का, क्योंकि इसमें प्रदेश का विश्लेषण करना मुख्य अध्ययन था। मानव भूगोल के किस विकास काल को अंतर्युद्ध की अवधि भी कहा जाता है? अंतर्युद्ध की अवधि है, इसमें आंसर है वो मेंशन हो गया है। 1930 के दशक को कहते हैं, कारण 1930 का जो दशक था वो दो युद्धों के बीच की काल था, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से लेकर 1918 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध है वो 1939 से लेकर 1944 तक है, 45 तक चला था, उसके बीच का काल है 1930 का दशक। यह दशक काफी महत्वपूर्ण रहा था। इसमें यह अध्ययन किया गया था मानव भूगोल में कि इन किसी देश में प्रथम विश्व युद्ध के बाद कि किसी देश में हार हुई तो उसके हारने का कारण क्या था, और कोई जीता तो उसके जीतने का कारण क्या था। इसके कारण क्षेत्रीय में अंतर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। कंप्यूटर व परिष्कृत सांख्यिकी विधियों का उपयोग किस समय शुरू हुआ? 1990 का दशक, 1970 का दशक, 1930 का दशक, 1950 के अंत से 1960 का दशक। तो 1950 के अंत से 1960 का दशक इसका सही उत्तर है। मानव भूगोल की किस समय अवधि का उपागम क्षेत्रीय विभेदन था? 1990 का दशक, 1970 का दशक, 1930 का दशक, 1950 के अंत से 1960 का दशक। क्षेत्रीय विभेदन, अभी मैंने आपसे चर्चा की थी भाई कि क्षेत्रीय विभेदन दो क्षेत्रों में तुलना करना जो है, दो क्षेत्रों में जो तुलना करना है वो 1930 के दशक की मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद का जन्म हुआ? भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद का जन्म हुआ 1990 का दशक, 1970 का दशक, 1930 का दशक, 1950 से 1960 का दशक। तो इसके उत्तर होगा 1990 का दशक है वो आधुनिकतावाद से संबंधित था, उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित था। वह सामान्यकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न किस दशक में उठे? बृहत सामान्यकरण
तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न किस दशक में उठे? तो ये 1990 का दशक, 1970 का दशक, 1930 का दशक, 1950 के अंत से 1960 का दशक, ये एनसीईआरटी के ही प्रश्न है फ्रेंड्स। सारे प्रश्न, जितने भी प्रश्न बनते हैं वो हमने सारे इसके अंदर ऐड कर लिए हैं ताकि आपका टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाए। ये जो आप है वो क्वेश्चन आप हमारे ऐप पर भी है वो देख सकते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के टेस्ट सीरीज के साथ हमने दिए हैं, पढ़ने के लिए डाउनलोड नहीं होंगे, वहाँ पर आप पीडीएफ डाली हुई है, वहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। लगभग हमने फर्स्ट ग्रेड में 4100 प्रश्नों की पीडीएफ है वो डाली है। साथ ही कॉलेज लेक्चरर के अंदर भी हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो ऐड किए हैं, प्लस टेस्ट सीरीज के अतिरिक्त जो अन्य ये जो हमने क्वेश्चन फ्री उपलब्ध कराए हैं वो भी आप वहाँ कॉलेज लेक्चरर में भी पढ़ सकते हैं, यानी दोनों टेस्ट सीरीज में आप ये पढ़ सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा 1990 का दशक। उत्तर आधुनिकतावाद में ही क्या हुआ था? सामान्यकरण और मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न इस दशक में उठे थे। किस दशक में मानचित्र योग्य प्रतिरूपों की पहचान करना मुख्य उद्देश्य बना? मानचित्र योग्य प्रतिरूपों की पहचान करना मुख्य उद्देश्य बना था। 1990 का दशक, 1970, 1930, 1950 से 1960। तो इस जैसे ही भूगोल के अंदर कंप्यूटरीकृत विधियों की शुरुआत हुई तो मानचित्र योग्य प्रतिरूपों की पहचान करना उद्देश्य बना था, यानी 1950 से अंत से 1960 का दशक। नेक्स्ट है, किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करना किस उपागम का मुख्य उद्देश्य था? विलक्षणता की पहचान करना, प्रादेशिक उपागम, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, उत्तर आधुनिकतावाद। तो विलक्षणता की पहचान करनी है, यानी कोई प्रदेश किसी प्रदेश से विशेष कैसे है, तो दो प्रदेशों में तुलना करनी होगी, और तुलना करनी होगी तो उपागम क्या होगा? क्षेत्रीय विभेदन। नेक्स्ट है, 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत का मुख्य उपागम क्या था? प्रादेशिक उपागम, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन या फिर उत्तर आधुनिकतावाद। तो इस समय का जो मुख्य उपागम था, कंप्यूटरीकृत विधियों को भी शुरुआत हो चुकी थी, स्थानिक संगठन इसका मुख्य उपागम था। सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, चिकित्सा भूगोल, कृषि भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और अवकाश भूगोल। इसमें जो कृषि भूगोल है वो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, कृषि भूगोल है वो आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। निम्नलिखित में से भौगोलिक सूचना के स्रोत नहीं है, यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा के चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। भाई भूगोल का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, तो चंद्रमा के चट्टानी जो पदार्थों के नमूने हैं वो भौगोलिक सूचना कैसे प्रदान करेंगे, तो उसका नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लास्ट जो उसमें क्वेश्चन दिए होते हैं वो क्वेश्चन है ये। समकलनात्मक अनुशासन, मानव व पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैधता पर आश्रित, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। समाकलनात्मक अनुशासन, तो भाई भूगोल विभिन्न क्षेत्र विषयों का समाकलन रूप प्रस्तुत करता है, मानव पर्यावरण का अध्ययन तो करता ही है मानव भूगोल, द्वैधता पर आश्रित है मानव भूगोल है, और जो दूसरा भूगोल है वो है भौतिक भूगोल, दो द्वैध है, इसके अलावा और भागों में भी बांटा गया, लेकिन मानव भूगोल द्वैधता यानी कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल मुख्य है। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं, क्यों नहीं भाई, प्रासंगिक तो काफी है, तो ये इसका उत्तर होगा कि भाई ये मानव भूगोल का वर्णन नहीं करता है क्योंकि प्रासंगिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? मात्रात्मक क्रांति, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, उत्तर आधुनिकतावाद। इसमें जो मात्रात्मक क्रांति है वो उपागम नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? यह आपकी समझ पर आधारित है, यानी जिसमें लोग और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया हो। अन्योन क्रिया का मतलब है जो पर्यावरण में घट रहा है लोग है उसके प्रति सामंजस्य स्थापित कर ले, और उसके प्रति लोग है वो पर्यावरण को प्रभावित करे और पर्यावरण है वो लोगों को प्रभावित कर दे, ऐसा कौन सा कारक है? मानव बुद्धिमत्ता, भाई मानव की बुद्धि जो है, मानव कुछ सोचता है, कुछ ज्ञान करता है, सोचता है, उससे पर्यावरण को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रौद्योगिकी, मानव के जो उद्योग स्थापित किए हैं उससे पर्यावरण प्रदूषण फैलता है और वही पर्यावरण प्रदूषण मनुष्य को भी प्रभावित करता है। लोगों के अनुभव,
अनुभव पर्यावरण को प्रभावित नहीं करते हैं, उन अनुभवों का क्रियान्वयन जो कुछ किया जाता है, मानवीय भाईचारा, आपसी भाईचारा भी पर्यावरण को प्रभावित नहीं करता है। तो प्रौद्योगिकी, वैसे तो अप्रत्यक्ष रूप से ये सभी करते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी है वो प्रत्यक्ष रूप से मानव को प्रभावित करता है, प्रत्यक्ष रूप से मानव को प्रभावित करता है, क्योंकि प्रौद्योगिकी से प्रदूषण फैलता है और प्रदूषण मानव को प्रभावित करता है, मानव पर्यावरण को प्रभावित कर ही रहा है। भौगोलिक वातावरण मानव के क्रियाकलापों एवं सामंजस्य को पर्याप्त अवसर प्रदान करता है, ये विचार संबंधित है। वही भौगोलिक वातावरण है वो मानव की क्रियाकलापों और सामंजस्य को पर्याप्त अवसर प्रदान कर रहा है, यानी भौगोलिक वातावरण है उससे मानव का सामंजस्य स्थापित हो रहा है, मानव पर्यावरण के अनुकूल हो रहा है। तो मानव और पर्यावरण अनुकूल हो रहा है, मतलब कौन सी विचारधारा है? संभववाद है। कौन सी विचारधारा है? संभववाद है, क्योंकि मानव अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल करते हुए विभिन्न अवसर है वो प्राप्त कर रहा है, तो उसमें संभववाद उत्तर होगा। आदि मानव समाज एवं प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य अन्योन क्रियाओं को कहा जा सकता है। देखिए, आदि मानव समाज पहले प्रकृति से डरता था, तो वो प्रकृति के मध्य कोई अन्योन क्रिया नहीं होती थी, वो तो था निश्चित बात। लेकिन आदम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य अन्योन क्रिया, यानी वो सामना करना लगे प्रकृति की शक्तियों का, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है संभववाद। तो संभववाद से संबंधित है फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है, जो है इसके संदर्भ में आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, ताकि कोई यदि इसमें संभावना तो बहुत कम है, लेकिन कोई ऐसे हो कि इसमें कोई अपडेट की जरूरत हो तो उसकी सूचना नीचे दे देंगे। ये सारी जो है क्वेश्चन है वो आप हमारे ऐप पर भी पढ़ सकते हैं, कॉलेज लेक्चरर टेस्ट सीरीज के अंदर जो है, इसके अलावा स्कूल लेक्चरर के अंदर है, प्लस एनसीईआरटी की अलग से टेस्ट सीरीज है वो बनाई जाएगी 11th-12th क्लास की, वो भी आप ऐड कर सकते हैं ज्योग्राफी वाले सर या फिर जियो हब से, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो लगातार हम उपस्थित रहेंगे इसके साथ। ये हमारा पहला चैप्टर है जिसके सभी एमसीक्यू है वो हमने प्रस्तुत किए हैं। दूसरा जो चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, नेक्स्ट वीडियो है वो उसके साथ ही हम उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसका रिव्यू जरूर दें, और ये आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।